छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने बीते दिनों अपने पुत्र के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बुक की थी। उन्हें कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि निर्धारित तारीख पर आपको स्कूटी की डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन कंपनी द्वारा ना तो उन्हें अभी तक स्कूटी दी गई और ना ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। अब इस मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित व्यक्ति SP कार्यालय पहुंच गया। पीड़ित गोविंद सिंह परिहार निवासी ओजस्वनी नगर ललोनी तेराहा सागर रोड छतरपुर ने बताया कि उन्होंने अपने पुत्र के लिए 5 सितंबर 2024 को ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी ऑनलाइन बुक की थी। स्कूटी बुक कराने के लिए एक्सिस बैंक के राकेश प्रजापति और ओला कंपनी से शिवम रैकवार घर पर आए थे। उन्होंने कंपनी के खाते में 50,000 रुपये जमा कराए थे और 15 सितंबर तक गाड़ी देने का वादा किया था। 17 सितंबर को भी कंपनी के शोरूम में गाड़ी नहीं मिली। मैंने कंपनी के लोगों से कहा कि गाड़ी क्यों नहीं मिल रही है, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। अब इस मामले की शिकायत SP से की गई है और राशि वापस दिलाने व कंपनी पर कार्रवाई की मांग की गई है। और मैंने एक गाड़ी बुक करी थी लड़के के लिए ओला कंपनी की, वो लोग घर पे आए तो एक्सिस बैंक से आया था एक राकेश प्रजापति, ओला कंपनी से शिवम रैकवार, इन लोगों ने घर पे आके 50,000 रुपया जमा करे, ऑनलाइन पैसा जमा करवा के बोले कि आपको 15 तारीख को गाड़ी मिल जाएगी। और मैंने 17 तारीख को फ़ोन किया, 15 को फ़ोन किया तो इन्होंने मना कर दी, गाड़ी नहीं आई। 17 को फ़ोन किया तो बोले कि वो अभी गाड़ी नहीं आई, जबलपुर में है, तो मैंने कैंसिल कर दूँ, फिर पितृपक्ष लग रहा है मैं नहीं लूँगा, ना तो वो पैसे दे रहे ना गाड़ी दे रहे, अब मैं गाड़ी लूँगा नहीं, पितृपक्ष लग गया है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो मिस्टेक आपकी है, कंपनी की नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, वो तो एक एक महीने तक गाड़ी आती है हमारी। हमने SP साहब के यहाँ सिविल लाइन TI साहब के यहाँ सबके पास की, अब मैं उपभोक्ता फार्म जाऊंगा, अभी उनने बोला है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं इसके बाद उपभोक्ता फोरम में भी केस कायम करूंगा।